सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 2023 और वेलकम टू दिस वीडियो, हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि आज एक तारीख नहीं है, दो तारीख है, बट फिर भी आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2023। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा मैं क्लास 10th और क्लास 12th की डेट शीट, और आई होप कि आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो वीडियो को एंड तक देख रहे हैं सो देट आपको समझ में आ सके कहां पर कितना गैप है और किस तरह से आपको खुद को प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए सबसे पहले 10th क्लास की डेट शीट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और देन उसके बाद हम लोग जो है वो 12th क्लास की डेट शीट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्लास 10th। और डेट शीट बिगिन तो हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेस्ट विशेस भी देना चाहूँगा कि आई होप कि आप इस डेट शीट के अकॉर्डिंग अपनी अच्छी तैयारियाँ करें और अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। आफ्टरऑल मार्क्स जो है वो उसके लिए आप मेहनत करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं। जो फर्स्ट पेपर रहने वाला है दैट इज़ ऑन 27th ऑफ फेब, 27 फरवरी को पहला पेपर आपका रहने वाला है क्लास 10th का, और जो सब्जेक्ट है दैट इज़ माय सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो है वो एग्ज़ाम रहने वाला है, दैट इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ क्लास 10th। उसके जो अगला पेपर है वो है आपका 4 मार्च को, ठीक है गाइज, तो 4 मार्च को आपका साइंस का पेपर रहने वाला है, ठीक है, तो देयर इज़ अ गैप, 4-5 दिन का गैप है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है दैट इज़ ऑन 11th ऑफ मार्च, 11 मार्च का अगला एग्ज़ाम आपका है ऑफ SKT। तो जिन स्टूडेंट्स ने चूज़ कर रखा है सब्जेक्ट, तो उनके लिए 11th ऑफ मार्च का जो है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम रहने वाला है। उससे अगला जो एग्ज़ाम रहने वाला है दैट इज़ ऑन 13th ऑफ मार्च, ठीक है, 13 मार्च का एग्ज़ाम है, और वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट्स वो थे SKT और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दैट इज़ ऑन द स्टूडेंट्स कि कुछ स्टूडेंट्स इनको चूज़ करते हैं, कुछ नहीं चूज़ करते हैं। उसके बाद जो चलते हैं मेन एग्ज़ाम के ऊपर, वो आपका आने वाला है 15th ऑफ मार्च, ठीक है गाइज, 15 मार्च को नेक्स्ट एग्ज़ाम है दैट इज़ सोशल स्टडीज़, यानी कि सोशल साइंस कह लीजिए, 15 मार्च को जो है वो SST का एग्ज़ाम है। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 17th ऑफ मार्च, 17 मार्च को अगला एग्ज़ाम है, और वो कब है, 17 मार्च को है, और किस चीज़ का है, हिंदी का, ठीक है गाइज, तो 17 मार्च का पेपर आपका हिंदी का है, तो बहुत छोटा जो है यहाँ पे गैप है, केवल 16 का आपको दिन मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो पहले जिन स्टूडेंट्स के पास SKT और ये सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक सब्जेक्ट्स, तो वो उन दिनों में तैयारी करें, क्योंकि 11 मार्च का भी आपका एग्ज़ाम नहीं है, 13 मार्च का भी नहीं है, तो 4 मार्च जो है वो साइंस के बाद डायरेक्टली आपका ये वाला एग्ज़ाम है, तो आप उसकी तैयारी उन दिनों में कर सकते हैं। 17 मार्च के बाद जो नेक्स्ट पेपर है गाइस दैट इज़ 21st ऑफ मार्च, ठीक है, 21 मार्च का एग्ज़ाम है, और ये आपका काफ़ी टफ सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, और वो क्या है, मैथ्स। तो मैथ का पेपर लास्ट पेपर होने वाला क्लास 10th के लिए। तो दिस वॉज द डेट शीट ऑफ क्लास 10th, नाउ लेट्स मूव ऑन द डेट शीट ऑफ क्लास 12th। तो 12th क्लास की डेट शीट डिस्कस करने से पहले बता दूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 12th के अंदर गाइज, तो हमने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हमने पिक करे हैं, जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर नहीं लिए हैं, और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं गाइज, क्योंकि वो ऑल ओवर द इंडिया सभी स्टूडेंट्स नहीं चूज़ करते, तो हमने मोस्ट प्रोबेबली उन सब्जेक्ट्स को चूज़ किया है जो सब्जेक्ट्स अधिकतर स्टूडेंट्स के पास होते हैं। तो सबसे पहले 15th ऑफ फेब से जो है ये स्टार्टिंग होती है इस डेट शीट की, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो पहला एग्ज़ाम है क्लास 12th के अंदर, ठीक है। उसके बाद गाइज जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है दैट इज़ 20 फेब, 20 फरवरी का एग्ज़ाम है, और वो एग्ज़ाम है हिंदी, ठीक है। उसके बाद जो अगला एग्ज़ाम आता है दैट इज़ ऑन 24th ऑफ फेब, दैट इज़ माई सब्जेक्ट, और वो है इंग्लिश, इंग्लिश कोर और इलेक्टिव दोनों ही इसी दिन एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपको तैयारी रखनी है। 24th ऑफ फेब को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, और उससे पहले जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम जो है वो 20 तारीख को है, 20 फरवरी को है हिंदी का एग्ज़ाम। उसके बाद 24th के बाद आते हैं 28th तो फेब को आपका एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, तो साइंस वाले स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान रखें, 24 का आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, देन उसके बाद 25, 26 और 27, 25, 26, 27, 3 दिन का गैप है, 28th तो फेब को आपका केमिस्ट्री एग्ज़ाम होने वाला है।
उसके बाद 2 मार्च, 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है जियोग्राफी का। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है जियो, तो उनका एग्ज़ाम अगला जो है वो 2 मार्च को है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस, 3 मार्च को भी एग्ज़ाम है, 3 मार्च का एग्ज़ाम है योगा। अब ये वाला सब्जेक्ट सबके पास नहीं होता है, लेकिन चूंकि पॉपुलर है इसलिए हमने इसको इस वीडियो के अंदर जगह दी है, ठीक है। तो 3 मार्च को योगा का पेपर होने वाला है। और अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सब्जेक्ट 6 मार्च, 6 मार्च का अगला एग्ज़ाम है गाइज, और एग्ज़ाम है फिजिक्स, फिजिक्स का जो है वो पेपर है 6 मार्च का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 मार्च, 11 मार्च को मैथ्स का पेपर है, ठीक है, ये भी काफ़ी टफ पेपर होने वाला है, तो तैयारी रखें। 2-3 दिन का गैप है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो साइंस वाले बच्चे उनके पास होता है, और मैथ्स भी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो साइंस स्टूडेंट्स के पास होता है। आर्ट्स वाले बच्चे भी लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास नॉन मेडिकल, उनके तो दोनों ही एग्ज़ाम ये होने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों की अच्छी तैयारी करें, बीच में जो आपको गैप मिलेगा 28 फरवरी के बाद, तो उन दिनों में दोनों को बराबर प्रोपोर्शन में जगह दें, टाइम दें और अपनी तैयारी करें। उसके बाद 13 मार्च को, 13 मार्च का जो पेपर है गाइज, दैट इज फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसकी भी तैयारी रखें, क्योंकि पेपर के बीच में हो सकता है आपको उतना गैप ना मिले, क्योंकि 11 मार्च के बाद आप 13 मार्च का पेपर फेस करने जाओगे, तो बीच में एक ही दिन है, तो जो बीच की जो छुट्टियाँ मिलती हैं, जो बीच में आपको गैप मिलने वाला है, कोशिश करें उसको यूटिलाइज़ करने की, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपका काम आसानी से बनेगा। अगर ये सोचेंगे कि बीच में जो गैप हमें मिलेगा उसके भरोसे हैं, तो फिर आपका काम नहीं बनने वाला। तो 13 मार्च को PhD का एग्ज़ाम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 मार्च को, 16 मार्च, ठीक है गाइज, तो 16 मार्च को एग्ज़ाम है बायोलॉजी का। अब जिन बच्चों के पास मेडिकल साइंसेज है, तो उनको तो बायोलॉजी का भी एग्ज़ाम, 13 के जस्ट 2 दिन का गैप है, उसके बाद फिर बायो एग्ज़ाम देना है। उसके बाद 17 मार्च, 17 मार्च का जो एग्ज़ाम है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइज। तो कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनके पास ये सब्जेक्ट है, तो कॉमर्स का तो आप ये लगा करके चलिए, इंग्लिश का एग्ज़ाम देने के बाद 24 फरवरी, देन उसके बाद उनको डायरेक्टली फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में बैठना है, और उसके बाद फिर 17 मार्च को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 मार्च, 20 मार्च का जो एग्ज़ाम है, दैट इज़ ऑफ पोल साइंस। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम जो है वो 20 मार्च को है, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। 20 तारीख के बाद आपका पेपर आएगा 23rd, ठीक है, तो 23 मार्च को अगला एग्ज़ाम है, और किसी 23 मार्च को आपका एग्ज़ाम है IP, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। सभी स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, जिनके पास है उनका ये 23rd मार्च का है। 25th मार्च, ठीक है, 25 मार्च को पेपर है बिजनेस स्टडीज़ का। तो कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान दें, 25 मार्च को आपको एग्ज़ाम फेस करना है इकोनॉमिक्स के बाद, 17 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपको 25 मार्च को पेपर फेस करना है बिजनेस स्टडीज़ का। उसके बाद 29 मार्च, 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम है हिस्ट्री, ठीक है, तो 29 मार्च को आपको पेपर फेस करना है हिस्ट्री का। उसके बाद 31 मार्च, 31 मार्च को जो एग्ज़ाम है, दैट इज़ अकाउंट, ठीक है, अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। तो ध्यान दें, बिजनेस स्टडीज़ 25th, और उसके बाद अगला जो आपका एग्ज़ाम है कॉमर्स वालों का, वो अकाउंटेंसी का है 31 मार्च। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं गाइज 12th क्लास के अंदर, तो हमने कोशिश करी है जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉमनली बच्चे चूज़ करते हैं, उनको अपनी डेट शीट के अंदर हम लोग जगह दें, अपनी वीडियो के अंदर जगह दें। उसके बाद 1 अप्रैल को, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है तो लंबी डेट शीट भी खींचने वाली है, तो 1 अप्रैल को जो पेपर है, दैट इज़ होम साइंस, होम साइंस का एग्ज़ाम है। दिल्ली में स्टूडेंट्स काफ़ी चूज़ करते हैं इसको, ऑफर किया जाता है सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो होम साइंस का एग्ज़ाम है 1 अप्रैल को। उसके बाद 3 अप्रैल, 3 अप्रैल को जो गाइज एग्ज़ाम होने वाला है वो है सोशियोलॉजी का, ठीक है, सोशियोलॉजी एग्ज़ाम है 3 अप्रैल को। उसके बाद 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को एग्ज़ाम है साइकोलॉजी, ठीक है, 5 अप्रैल को
साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो दिस इज़ द डेट शीट ऑफ क्लास ट्वेल्थ। तो 5 अप्रैल को आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के। तो दिस इज़ द डेट शीट ऑफ क्लास ट्वेल्थ। 10th क्लास की हम लोगों ने डिस्कस करी, उनके एग्ज़ाम जो है 27th ऑफ फेब से स्टार्ट होकर के 21st ऑफ मार्च तक चलने वाले हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लंबी डेट शीट है, वजह क्या है, सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई जो डेट शीट है वो एक्सटेंड भी होती है। तो ये हमने आज डिस्कस करी है गाइज डेट शीट। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, हालांकि आज 1 तारीख नहीं है, ठीक है, आज 2 तारीख है, बट फिर भी और 2023 के अंदर ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। और आई होप कि हमारा ये जो बॉन्डिंग है ये बनी रहे, ठीक है। और आई ऑल्सो होप कि इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आप अच्छी तरीके से खुद को प्रिपेयर करेंगे और मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे लेकर के आने वाले हो। मेरी बेस्ट विशेज गाइज जो है वो आप लोगों के साथ है, ठीक है। तो इन्हीं बेस्ट विशेज के साथ लेट्स एंड अप द वीडियो। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, मे दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ्स। थैंक यू।